Welcome friends to a surprise. अब मैं इसको कोई भी मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, देयर इज नो मोबिलिटी. क्या ये चिन आगे जा सकती है, टच कर सकते हैं? नो नो, देयर इज नो फॉरवर्ड फ्लेक्शन, देयर इज नो बैकवर्ड फ्लेक्शन. हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग. मैंने जो अपने कायरोप्रैक्टर डॉक्टर हैं उनको घर पे बुला लिया, बिकॉज मैं बहुत आलसी हूँ, जा नहीं पाता हूँ. आई डू माय कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट एंड जस्ट बिकॉज इट इज आज मेरे घर पे हो रहा है, सो आई द लिबर्टी टू शूट व्हाटएवर आई कैन. सो आई शो यू कि कायरोप्रैक्टिक होता क्या, थोड़ा बहुत आपको समझाऊंगा मेरे को दिक्कत क्या है और वो कैसे ट्रीट होगी. सो आवर डॉक्टर इज हियर. सर चले, कुछ है इम्प्रूवमेंट? है इम्प्रूवमेंट तो काफी है, अभी भी ये जो नजर आ रहा है ना. गाइस, मैं आपको बताऊंगा कि आज एक्चुअल प्रॉब्लम मुझे क्या है, और मैं इसे आपके साथ ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत लोगों को होती है या बहुत लोगों को होने वाली है. जी हाँ, मैं 15-16 साल से वेट लिफ्टिंग कर रहा हूँ, बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, प्रोफेशनल लेवल पे कम्पीट कर चुका हूँ. 2013 से 2017 तक जो मेरा करियर था, इट वॉज ओनली प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन बॉडी बिल्डिंग. एंड मैं आई यूज टू ईट टू कम्पीट, आई यूज टू स्लीप टू कम्पीट, आई यूज टू ट्रेन टू कम्पीट. दिमाग में हमेशा वो चलता रहता था. आई यूज टू पुश माई बॉडी टू लिमिट्स, एंड ऑल्सो मेरे पास एक फुल टाइम जॉब थी. टाइटर स्किन, सो यू कैन सी दिस, द टेक्सचर ऑफ द स्किन हियर इज टाइटर. There's a mild spasm which is lying around this area. So I'm trying to drain this spasm, and this is extending till the back of the shoulder. Not much towards the trapezius. This is clear, but yes, this whole area. ट्रेनिंग के बाद जो चीजें होती हैं रिकवरी के लिए, वो मैं नहीं कर पाता था ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स. धीरे धीरे क्या हुआ, बॉडी पे कम ध्यान देने की वजह से मेरे लेफ्ट और राइट साइड डिसबैलेंस होने लगी. मैं टेढ़ा खड़ा होने लगा, टेढ़ा चलने लगा. मैं जब वेट्स भी ग्रिप करता था, जैसे रॉड में ग्रिप करता था, स्क्वाट करता था, मेरी जो फीट की पोजीशन थी, इट वाज वेरी मिनिस्कुल, वेरी माइन्यूट, जो आप नोटिस भी नहीं कर पाएंगे. बट लेफ्ट फीट आगे, राइट फीट पीछे. जब मैं लेग प्रेस मशीन पे पैर रखता था, वो प्रोपोर्शनल नहीं था, मतलब कि वो बराबर नहीं था. जब मैं शोल्डर प्रेस ग्रिप करता था, मैं ग्रिप करता था बराबर, बट मारते मारते वो बॉडी डिसबैलेंस हो रही थी. तो अपने आप क्वार्टर इंच, लेस देन क्वार्टर इंच वो आगे पीछे शिफ्ट करता था, जिससे कि लेफ्ट साइड में अलग लोड आता था, राइट साइड में अलग लोड आता था. किस पेशेंट को कितना वैक्यूम बनाना है, ये सबको सही मिलता है सब कुछ, उसके अलावा पेशेंट की साइकोलॉजी, उसका ये करते करते, ये बहुत ही छोटा लोड था. और ओवर द इयर्स, मैं ऐसे ओवर द इयर्स आई मीन 4, 5, 6, 7 इयर्स, धीरे धीरे मेरी बॉडी का एक साइड स्ट्रांग होता गया, एक साइड वीक होता गया. थोड़ा बहुत सबकी बॉडी में चलता है, देखेंगे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स के फिजिक में थोड़ा बहुत चलता है, लेफ्ट बाइसेप बड़ी, राइट बाइसेप छोटी है. बट ये मेरे को प्रॉब्लम आने लगी, मैं एक साइड झुक के चलने लगा. अगर आपको एक बार ये प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, एक साइड आप झुक रहे हैं, एक साइड आप खड़े हैं, या एक साइड ऊपर है, एक शोल्डर आपका डाउन है, एक शोल्डर आपका अप है, एक बार ये प्रॉब्लम क्रीप इन हो गई, तो उसके बाद ये बढ़ती ही है. क्योंकि जो साइड आपका वीक होता रहता है, स्ट्रॉन्गर साइड उस वीक साइड को और वीक करता रहता है, बिकॉज वो वीक साइड का लोड भी स्ट्रॉन्गर साइड उठाता रहता है. नाउ कम टू अक्टूबर 2019, मुझे ये प्रॉब्लम कैसे फील हुई, एक दिन मैं सोकर मुझे बैक में हल्का सा दर्द हुआ. आई थॉट इट्स अ नॉर्मल दर्द है, चला जाएगा. मैं जिम में गया, जिम में मैंने चेस्ट की एक्सरसाइज मारी और मेरे राइट साइड से वेट उठाई नहीं. मेरा लेफ्ट साइड इक्वली स्ट्रांग था, परफेक्ट था, मैं वेट मार पा रहा था, बट राइट साइड से मेरे से वेट बिल्कुल नहीं लग रहा था. लेफ्ट साइड से अगर मैं 10 रैप मार पा रहा हूँ, राइट साइड से मैं 4th रैप में मेरा फेलियर आ रहा था. मुझे लगा मेरी बैक की दिक्कत है, मेरे को चेस्ट में दिक्कत क्यों आ रही है, मैं चेस्ट से वेट क्यों नहीं उठा पा रहा हूँ. सेम चीज़ मेरे ट्राइसेप में हो रही थी, सेम चीज़ मेरे शोल्डर में हो रही थी. आई नो देयर इज अ प्रॉब्लम, मैंने उसको इग्नोर किया 15 दिन 20 दिन. फिर क्या होने लगा, मेरा जिम जाने का मन नहीं करने लगा, बिकॉज आई एम अ काइंड ऑफ गाय, इफ आई गो टू द जिम आई ब्लास्ट एवरीथिंग आउट. वो करते करते मेरा जिम धीरे 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 कम होता गया. मेरे को जिम जाने करने का मन ही नहीं होता था. फिर मुझे लगा मुझे एक डॉक्टर की जरूरत है. सो मैं अभी तक 2 महीने में सिर्फ 3 सेशंस कर पाया हूँ, जो कि मुझे हर हफ्ते उन्होंने कहा था कि एक सेशन करना, मतलब आई शुड हैव डन एटलीस्ट 8-10 सेशंस बाय नाउ. और मेरी रिकवरी भी इसीलिए स्लो हो रही है. सो नाउ आई डिसाइडेड कि आई विल गेट ट्रीटेड एट होम.
एंड जल्दी से अब मुझे रिकवर होना है और आई वांट टू गेट बैक टू द जिम. आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ बॉडी फैट बिकॉज ऑफ दिस. मेरे साथ क्या होता है जब मैं वर्कआउट नहीं करता मेरी डाइट भी थोड़ी ख़राब हो जाती है. बट नाउ आई डिसाइडेड दैट आई विल गेट बैक इनटू शेप. सो मेजरली इसको रिकवर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कायरोप्रैक्टिक वर्क कर रहे हैं, हम कपिंग थेरेपी कर रहे हैं, हम नीडलिंग वर्क कर रहे हैं एंड द डॉक्टर हैज़ गिवन मी सोल. बिकॉज अब मैं एक साइड झुक के खड़ा होता हूँ तो मेरा जो फीट के बैलेंसिंग है, मेरी जो बॉडी का लोड है, दोनों पैरों पे इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा, एक पैर पे ज़्यादा आ रहा है, एक पैर पे कम आ रहा है. एंड दैट ऑल्सो मीन्स कि जो मेरी फीट जो कॉन्टैक्ट एरिया बनाती है ग्राउंड से वो अलग अलग बनाती है. सो मुझे स्पेशलाइज सोल दी गई है ताकि मेरा दोनों फीट पे बैलेंस वेट आए और जिससे कि मेरी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी. कभी ऐसा हुआ कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इज इट एनी हिस्ट्री की किसी की नेक चली गई है उसमें? किसी भी डॉक्यूमेंटेड किसी भी डॉक्टर के पास आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ. चलो क्योंकि अगर वो स्ट्रेस्ड आउट है, मसल टाइट कर रहा है, तो मैं भी आप फील कर लेते हो ना कि बंदा स्ट्रेस्ड आउट है. मैं फर्स्ट टाइम स्ट्रेस्ड आउट था बट अब मैं छोड़ देता हूँ पूरा भरोसा. जब मैंने फर्स्ट टाइम कराया तो एक साइड का हो गया तो मैं रिलैक्स था, दूसरी साइड में हां आई रिमेंबर हां कॉन्शियस थे. चलो एक से दो महीना हफ्ते का एक एक्सपेक्टेशन मस्ट बी वेरी वेरी हाई राइट. But let me tell you, even before the video, she would be fine and she'll take as good enough 2 to 3 days. आप मेरे को बता देना आप क्या कर रहे हो. मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं फील कर रहा हूँ. अच्छा ठीक है, हाँ ओके. प्लीज एकदम से कुछ भी हमें ना नहीं कर, मैं करने से पहले वार्निंग दूंगा. हाँ टच करो, टच करो. पेन है यहाँ पर? आओ नहीं, बस मेरे प्रेशर से हो रहा है. हाँ बस ठीक है. यहाँ पे इस जगह पे? नो नो रिलैक्स. Oh. अब न्यूट्रल किया तब पेन हुआ. यस एंड दिस इज द नॉन अफेक्टेड साइड. हां या दिस इज द नॉन अफेक्टेड साइड. तो हम पहले एडजस्टमेंट करेंगे नॉन अफेक्टेड साइड में. जब यहां से थोड़ा सा प्रेशर रिलीज होगा देन वी विल गो ऑन द अदर साइड. इजी इजी. यस 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 यस. जस्ट रिलैक्स. इजी. Don't worry, nothing. In fact, जो आपका पेन है वो अभी काफी कम हो जाएगा. जस्ट यस. ये टेंडर है. Tell me about your agency. Where you work? Your own agency? No, no, it's not my own agency. It's in Green Park. And what's it called? Pixel Rush. Pixel Rush. Yeah. So you work at all the platforms, or you work? No, I'm on the client servicing side. I'm in the basement, I'll call you and think I cannot hear.
Let me give you support and you can get up. I think so. Now you're at least not holding your neck, right? Yeah. So, some relief. Somehow, yes. But if I'm back, kar rahi ho, then it's little. Yes, so this is what is going to take a little couple of days. But I'm sure you'll be at least 50% better by the evening. Alright? So, viewers, you've watched this beautiful woman getting stuck with the neck. And now she's out of that stuck. Yeah. She doesn't need the support. Now we're going to do is just a cupping for her and maybe some massage for her. And she can go back home and rest. Thank you. Thanks for watching this video. Thank you. Thank you. Bye bye. Easy. Breathe out. Easy. Oh, nicely. Watch my attention. Easy. Turn towards me. Move your other hand forward. The other hand, that other hand. She's scared? Yes. Bend this. She's scared what you will broken here. Nothing will broke, just fix. Turn around. Other side. This leg straight, bend this. Easy. Oh no, no, no. This is very stiff. Easy. Breathe out. With Victoria, one side we are unable to open today, so we will try in the next session. Now the neck. Easy. Okay, just hold on. Yeah, she's more relaxed now. Oh. Okay. Okay, you can get up. Yes, okay. निकल जाएगा सर दर्द होगा दर्द आज तक तो कभी नहीं निकला यार जैसा देश का बैंक हमारा डिफेंस संभालता है जैसे दारू की बैंक नींबू संभालती है जैसे एग्जाम्स की बैग फर रहे या हमारे दोस्त संभालते हैं वैसे ओके टेस्ट की बैग कौन संभालेगा हमारी बैग तो टूट चुकी है तो हम अपनी बैग को लेकर जा रहे हैं कायरोप्रैक्टर के पास हमने बहुत सारी वीडियोस देखी कायरोप्रैक्टर की दर्द हुआ क्या इसे आवाज नहीं देख रहा तू इसे दर्द हो रहा है क्या पता नहीं अरे वो जो साउंड निकलते हैं ना उसके अंदर से वो कड़कड़ कड़कड़ कुकु पॉपिंग साउंड एकदम कड़कड़ डूमा साउंड होती है कड़कड़ डूमा साउंड जो होती है वो बहुत ज्यादा सैटिस्फाइंग होती है मैं इसके लिए भी जा रहा हूं तो चलो बात खत्म जोक्स क्रैक करते हैं सॉरी गर्दन गर्दन क्रैक करते हैं तुम्हारे पीछे से वीडियो आ रहा है क्योंकि हम लोगों का बैक का वीडियो है जो हजारों साल से लोग ट्रीटमेंट के लिए यूज करते आए हैं दिस इज कायरोप्रैक्टिक इफेक्ट टू रिलीज दीज ऑक्सीपिट जॉइंट्स व्हिच आर ऑन द टॉप यू नो द एटलस जॉइंट्स एनीथिंग दैट आई वर्क विद द हैंड इज कायरोप्रैक्टिक मैं वही पुशअप्स मारता हूं फ्राइडे को मैंने लोअर बैक मारा है वही Deadlift is my bread and butter. You know, you keep guys doing deadlift and you'll have injuries and problem and I'll be surviving. सही बता रहा हूँ मुझे डर नहीं लगता लेकिन फिर मेरे को लगता है कि जब हड्डियाँ ना कड़कड़ाती है ना तो मतलब इतना इंटरेस्टिंग साउंड नहीं होता साउंड्स आर द फीलिंग जबकि बॉडी खुलती है जो भी रिस्ट्रिक्शन में होता है इट्स लाइक कि आप पूरे दिन से खड़े हुए हैं आपने शू पहना हुआ है
अंदर इतना ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो चुका है, जब घर पहुंचते हैं अपना शू खोलते हैं कैसा फील होता है? तो इसमें ऑर्गेज्म फील होगा? सिमिलर, यू यू फील शुरू करो, रुकना फिर रुकना नहीं है, लेट रुकना ही नहीं है सर, लेट आप लेट जाओ कह रहा हूं। चीज बहुत अमेजिंग है, देखो डाल के मजा आ रहा है। नाउ दिस इज द एक्टिवेटर व्हिच वी गोइंग टू यूज टू एक्टिवेट हिज लंबाई इन केस हिज joints are stiffer. Yeah. ये किचन वाला लाइटर है क्या सर? Oh yes, किचन वाला लाइटर। सर आप तो नहीं लगा रहे। मैं फील कर रहा हूँ उसकी लेफ्ट साइड की सारी एक्सेंसर्स मसल्स इज मच मोर डोमिनेटिंग कंपेयर टू द लेफ्ट। लेफ्ट इज एज यू सेड इज वीकर। सर ब्रीद इन ब्रीद आउट। ब्रीद इन ब्रीद आउट। ब्रीद इन ब्रीद आउट। लंबी सांस। वन मोर। Let's try and improve it further. Yes. It just opened up, now the other side. Look forward. Okay. Breathe out. Yeah, dil mein. Yes. Aayi. Left hip is much more tighter. Yeah. Breathe in, breathe out. Breathe out. Yes. Aap seedha le lenge. Aise hai wahan papad kadakne ka. Aur piche. Aur piche. अब इसकी जो लेफ्ट साइड की नेक के जॉइंट्स से स्टिफ है, मैं इसको पहले निकल जाएगा सर, दर्द हो रहा, दर्द हो रहा। आज तक तो कभी नहीं निकला यार। नहीं निकला नहीं। रिलैक्स, मोस्ट जेंटली, ओके, मोस्ट जेंटली, ओके। दिस इज वन टेक्निक। रिलैक्स द सेम साइड, व्हिच इज इजी इजी इजी। ये कितने सालों का कड़कना बाकी रह गया था सर। यस परफेक्ट इजी perfect. Sorry, man, he's done and his neck was very stiff and tight, but dude, your muscles are under activated, you know, you need to exercise a lot more. Yes, pata main feel kar raha hu jo khoon hai na wo bhi bhag raha hai upar niche, matlab pehle to rush of blood, rush ho raha hai to matlab acha lag raha hai. Just take your time, it's like a high. Yeah, good high. How was your experience? Did it reach the climax? Orgasm ka to pata nahi mujhe. Kyun nahi pata? Main bahut sadhu insaan hoon. Oh my god. Yahan pe ek chhoot gaya, yahan pe kuch aisa lag raha hai. Chhoota hai? Haan kuch chhoota hai. Bahut halka lag raha hai, bahut halka lag raha hai pehle se. Check line. Line? Line. Line. Breathe out. अब छूटा है कोई? नहीं, अब नहीं छूटा। इसके अलावा कभी आना, लंबा सेशन करेंगे। ठीक है, उसमें जो चीज़ करेंगे उससे आपको और हल्का लगेगा। अच्छा, मतलब क्या होगा उसमें? उसमें हम कपिंग करेंगे, नीडलिंग करेंगे एक ही सेशन में। ओके। फिर एडजस्टमेंट करेंगे, तो आपके जो जॉइंट्स आज नहीं खुले, जब ये सारी चीज़ें करते हैं तो और अच्छे से खुलते हैं। दैट इज व्हाई समटाइम पेशेंट स्पेंड्स अप टू 35 मिनट्स टू वन आवर। तो ये रहेगा ना कि वो मसल्स वापस आ जाएंगे? नहीं, मसल्स तो सारे सब कुछ वापस आएंगे, आपकी मोबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है। जब तक कि आप उतना प्रेशर दोबारा बिल्डअप नहीं करते अपने जॉइंट्स पे, तब तक ये रहेगा। अब उसको आप दो रातों में बिल्डअप करोगे या छह महीने में बिल्डअप करोगे, या आपके ऊपर। तो ये कैसे बिल्डअप नहीं करना है? मोबाइल फोन से बिल्डअप नहीं करना। तो हाँ, नेक काफी सही हो चुके, बैक मेरी बैकिंग मूवमेंट बहुत सही हो चुकी है। अंदर जो काफी कुछ रिस्ट्रिक्टेड था, कुछ बंद था अंदर बहुत सालों से, करोड़ों साल से, जैसे वो पानी खुल चुका है। हाँ, जैसे वो पानी के अंदर वो टाइटैनिक में ऐसा सीन नहीं आता, नीचे ट्रेजर होता है, मतलब खोलता है तो मिट्टी धूल निकलती है उसके अंदर से, तो वो ही एकदम ऐसा महसूस हुआ कि पूरा खुल गया है। अभी आई फील फ्रेश, आई फील न्यू न्यू न्यू, आई फील न्यू।
और कुछ ऐसा भी होता है कि मतलब ऐसे लेट के मैं यहाँ पे बैठा हूँ। I think he needs to go to Haridwar Rishikesh for that. अभी सर कुंभ से ही आए थे हम। सर एक एक काम लास्ट कर दूँगा आपको ऐसे करूँ एक बार वो। अरे भाई मजा आ जाएगा कर दे। आपने इतना किया है। शर्ट में बदल बस। शर्ट में। वो उठा ही नहीं पा रहा सर। पैसे पैसे वसूल हैं। वसूल हैं पैसे। ओह मजेदार। चलिए सर। मिलते हैं भाई। ये वो वाला एकदम सेंसेशन था कि कहीं आप चल रहे हो किसी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट ने आपको ढक्क से मारा, अब नीचे गिरे, आप थोड़ी देर के लिए एकदम मिली सेकंड के लिए अनकॉन्शियस हुए, आप खुले और फिर सब बोल रहे हैं कि तुम ठीक हो, लंबी सांसें लो। एंड देन यू आर फीलिंग बेटर कि मतलब उस मोमेंट के लिए तुम्हारी लाइफ के सारे टेंशन खत्म हो गए। इस चीज के बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि हम लोगों को एक्सरसाइज के साथ साथ बॉडी को पूरा खोलना है और अंदर की जितनी भी टेंशन है उसे रिलीज करना है। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे फीनिक्स बर्ड होती है जब वो वीक फील कर रही होती है अपने आप को जला देती है, हमने भी कुछ अपने आप को जलाया है मेटाफोरिकली और सो दैट शी कैन रीबॉर्न फ्रॉम दोज एशेस। तो आई एम फीलिंग लाइक दैट आई एम रीबॉर्न। वास्तु जब ऐसी बातें करते ना दिल को छू जाता है, घुस जाता है एकदम अंदर। That's why we have Brody's. Yeah, man. Hey guys, if you want to feel as light as we do, hit the like button. Share with your friends. Comment down below. And don't forget to subscribe to OK Tested. Mess up to Phoenix. Mess up to Phoenix. Again now, this will not touch the floor. Yes, I'm absolutely ready. Cool, looking up, higher. Yeah. I've raised this, don't worry. Just push yourself up. You can rest a minute. Right. Yes, just for a second. अब ये देख सकते हैं, this is the point. अब मैं इसको कोई भी move करने की कोशिश कर रहा हूँ, there is no mobility. क्या ये चिन आगे जा सकती है, touch कर सकते हैं? No, there is no forward flexion, there is no backward flexion, there is no sideways flexion, I can't do anything. So we will leave the neck part, dorsal हमें बताई है, let's check the pelvic part, lower back part, सब इधर turn करेंगे, और जब sacralized neck को, spine को आप hold करते हैं, उसका weight भी बहुत ज़्यादा होता है, oh yes. अब हम ये देख सकते हैं कि इनकी कम से कम लोअर बैक बेंड हो रही है, नी यानी कि हिप फ्लेक्शन काफी अच्छा हो रहा है, सो आई अज्यूम कि मैं इनकी लोअर बैक थोड़ा सा खोल पाऊंगा। प्लीज रिलैक्स, सही वाला हाथ भी दे दीजिए। आई नो इजी, सो अप्लाई द थ्रस्ट, देयर इज नो ओपनिंग ऑफ द जॉइंट अदर साइड से। तो हम ये देखेंगे कि अगले 3-4-5 सेशन में कितने जॉइंट्स और खुलते हैं। नीचे वाला पैर सीधा। Just cross your hand. Easy. Okay, nice. सीधा लेटेंगे on your back. Very good. He's a very strong man. तभी इतना कुछ। Easy. Lower body में कहीं भी कोई issue नहीं है। सिर्फ इनके spine ही sacralized है। और ankylosing spondylitis आपके स्पाइन और वेट बेयरिंग जॉइंट्स को इफेक्ट करता है, पेल्विस एंड हिप जॉइंट है। इनके हिप जॉइंट्स भी ठीक है। ये शोल्डर इनका रेस्ट्रिक्टेड है, लेफ्ट वाला शोल्डर रेस्ट्रिक्टेड नहीं था। अच्छा, नाउ यू कैन गेट अप सर। तो इनका समझें कि गर्दन से लेके कमर तक का स्पाइन का पार्ट है जिसमें 33 वर्टिब्रा होती हैं, वो अब 33 नहीं रही, देखने में 33 दिखेंगी लेकिन वो एक बन चुकी है ऊपर से लेके
नीचे तक, तो ना इनकी गर्दन आगे जाती है, ना पीछे जाती है, ना साइड में जाती है, कहीं कोई रोटेशन या कुछ नहीं है। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हर केस में एडजस्टमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है। इनवर्ट रोटेशन एज कम्पेयर टू द राइट, सो दिस राइट लेग इज, लेफ्ट लेग इज टेकिंग ऑल द वेट and some changes has happened around the ankle. That is the reason the whole pressure is coming up till the back. Maria, not big issues, but there's a problem with your feet, which we need to solve. Now we're going to just put your hands forward. Yeah. Relax. Yeah. Breathe in, breathe out. And same tension I can feel is all along the left side. This is a little higher compared to the right side, and the tension is mostly here. Am I right, Myra? Yeah. Yes. This is the tension. This is the tension. Breathe in, breathe out, breathe out. Oh. Yes, nice. Breathe out. Breathe. Yes. I can also feel the tightness here on the right side. Easy. Yes. Nice. Turn towards me. Side down. Breathe in, breathe out, easy. Nice. Now the other side. And focus here also. These dilated veins are also one of the signs. Now feet is parallel and close a little closer so I can see the knees. Knees के साथ पॉन्च चढ़ाने में जाता है, ट्रांसिशनल आर्च फॉल करने में जाता है, और आर्चेस हैं वो नेचुरल शॉक एब्जॉर्बर हैं ह्यूमन बॉडी में। जी, अगर शॉक एब्जॉर्बर कम होंगे तो वेयर एंड टियर बॉडी में मैकेनिक्स ऑल्टर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, है ना, जैसे जॉइंट में कुशनिंग होता है, डिस्क होती है, उसी तरह फीट के अंदर आर्चेस हमारे नेचुरल शॉक एब्जॉर्बर। अब हम उसे फीट और आउट करो, हील टच करेगा, फीट आउट रहेगा बस। और ये लेफ्ट वाला देखने का, लेफ्ट वाला थोड़ा आउट, जब आउट करो बस, परफेक्ट। अब हमने ये देखना है, नॉर्मल आज को हम 15-20% कांटेक्ट करते हैं, ग्राउंड बोलते हैं। एडजस्टमेंट करता हूँ और देखता हूँ कि कितना इसको हेल्प होता है। इजी ब्रीथ आउट, नाइस nice, very stiff back, turn towards me. You're not doing any exercise, right? Not much. He's saying not much means no exercise. Okay. He's trying to be modest. Easy, relax, shoulders back, easy, shoulder back, and he's working too hard and his muscles are not supporting. Breathe out. Other side. Easy. Here they come. Yeah. Easy. Breathe out.
Easy. Okay, easy. Relax. Okay, go. फेस डाउन करेंगे और नीचे करेंगे इजी छोटी सी ओके नाइस इजी ओके नाइस ओके नाइस टर्न करेंगे नीचे लगाए सीधा इजी आराम से टाइट क्लोज कर उस तरह ये वाला हाथ लेंगे इजी ये डाउन करेंगे स्ट्रेट लेंगे बीच में आएंगे इजी एश्ले है जो एक साल से पेन में है एश्ले एक रोड एक्सीडेंट में मोटर बाइक की वजह से पेन हुआ एश्ले फिलीपींस से है हम एग्जामिनेशन दिखाएंगे पहले आपको कि एग्जामिनेशन करने पे क्या पता चलता है और फिर हम आपको ट्रीटमेंट दिखाएंगे एश्ले प्लीज लाइट ऑन ऑन योर स्टमक यस बोथ लेग्स फीट आर इन द सेम लेंथ डिस्क्रिपेंसी बिल्कुल नहीं है सुपिनेशन जो कि हील हल्का सा अंदर जा रहा है बट बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है बट इफ आई टर्न दिस लेट मी सी आई कैन सी द प्रोट्रूजन ऑफ द बम्प्स दे लुक वेरी वेल इन शेप बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्स्ट्रा एग्जेजरेटेड लॉर्डोसिस कर्वेचर ज्यादा हो जाए अगर कर्वेचर एक्सेस हो जाए सो आई जस्ट पुल दिस अप लिटिल एंड शो यू साइड से लेंगे कि ये कर्वेचर थोड़ा सा ज्यादा है सो वी ऑल्सो से एग्जेजरेटेड लंबर लॉर्डोसिस सो अगर कर्वेचर ज्यादा है तो सारा प्रेशर लोअर बैक की तरफ ही आएगा एंड दैट इज वाई द प्रेशर इज ऑल हियर सो इट स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड गोज ऑल दिस वाइल सो एक्चुअली वन ऑफ द रीजन इज दैट यू हैव अ मोर कर्वेचर एट द लोअर बैक दैट इज वाई द प्रेशर इज ऑल अराउंड हियर एंड द मिडल बैक बैक थोड़ी टाइट है बट समहाउ आई एम एबल टू ओपन इट लेट्स सी पीछे लगा पाऊं पीछे ये आगे आ गया लेट्स सी कि ये टाइटनेस की वजह से नहीं खुलेगा थोड़ा सा सेंट्रलाइज्ड है इसलिए मैं ज्यादा मूव नहीं कर पा रहा कुछ करते क्या हो सर नॉर्मली अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही है एमए चल रहा है हां एमए इकोनॉमिक्स एंड एग्जाम की तैयारी चल रही है एमए बैंक एग्जाम अच्छा बैंक एग्जाम ये है हमारी सारी प्रॉब्लम की चाय सीधा हो जाएंगे बिल्कुल नाइस कैसा था मजा ही था हाँ आ गया मजा चंद मिनट में
बट ये व्यूअर्स नहीं सुन पाए होंगे क्योंकि वो खुला है लेकिन उसकी इतनी लाउड आवाज नहीं है राइट। इजी क्रॉस बेंड करो इजी चलो इस तरफ थोड़ा पीछे जाओ इसका एक बार इसका कपिंग कर लेंगे फिर थोड़ा टाइट कर लेंगे शायद मसल रिलैक्स हो जाए सीधा हो जाए स्ट्रेट इजी इजी नाइस नाइस इजी वन मोर नाइस टर्न मेरी तरफ पहले सुपर इतना टाइट ही नहीं है इसीलिए इसकी बैक लंबी है उधर समझ गए आप ताकत हाथ मुट्ठी में होती है ताकत बॉडी में नहीं होती है ध्यान रखना इजी नाइस सीधा सुपर सो आई वॉन्ट टू मेक दिस सेशन लास्ट लिटिल लॉन्गर इसलिए कि काफी ज्यादा लाइट हो चुके हैं टोन ऑफ द मसल काफी रिड्यूस हो चुकी है जो प्रोमिनेंसी मसल की नीडलिंग से पहले थी और जो अब है उसमें काफी डिफरेंस है अब मैं इसको रिमूव करूंगा व्यूज अब मैं एक बार और एडजस्टमेंट ट्राई करूंगा लेट मी ट्राई वन मोर टाइम ब्रीथ इन ओह यस ह्यूज डिफरेंस इजी इजी ब्रीथ आउट ब्रीथ आउट She's not ready to wake up. She wants to sleep more. I'll give you a bed after this. Now, again, towards me. Side turn. Would you sleep? He's so confused. Relax, easy. Breathe out. Now everything is opening up guys now, just after the needle, turn other side. Relax, easy, breathe out. Yes. Viewers, अब आप समझे कि acupuncture कितना useful होता है and is काफी हद तक रिकवरी हुई है मेरे को 60-70% बेटर लग रही है इंजरी अपनी ना प्रॉब्लम ये हो रहा था इम्बैलेंस हो रहा था मैं कोई भी वर्कआउट कर रहा था तो मेरा एक हाथ ज्यादा ऊपर जा रहा था और लेफ्ट वाले हाथ से फोर्स कम लग रहा था तो काफी हद तक बेटर हुआ है और सर ने काफी हेल्प की है तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई इंजरी है कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार जरूर आए और